दोस्तों, क्या आपकी आंखें जलती हैं, आंखों में से पानी निकलता है, आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है या आंखों की कोई भी समस्या है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे और ऐसे आयुर्वेदिक फूड जो आपकी आंखों की प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर और सेव जरूर कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे 6 ऐसे फूड के बारे में जो अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में हेल्प करेगी। दोस्तों, आंखें जो होती है हमारी बहुत अनमोल है, बहुत सेंसिटिव होती है, लेकिन आजकल आंखों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या कारण है कि पिछले कुछ सालों में चश्मा पहनने वाले टीन एजर्स की संख्या 4 गुना बढ़ चुकी है? सबसे बड़ा कारण तो हम सबको पता है, हाई स्क्रीन टाइमिंग। अब ऑफिस का काम तो करना ही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में पामिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। अभी मेरे साथ आप लोग करके देख सकते हैं। अपनी हथेलियों को अच्छे से रगड़े और फिर अपनी आंखों पर लगा रहे, आपको बहुत आराम मिलेगा। कुछ और ऐसी गलतियां भी हैं जिन्हें हम जाने अनजाने में कर रहे हैं, जिस वजह से हमारी आंखें कमजोर होती जा रही हैं। जैसे आंखों को मसलने की आदत, आई मसल्स इससे डैमेज हो जाती हैं। ट्रैवलिंग करते हुए बुक पढ़ना, फोन पे चैटिंग करना आंखों की रोशनी कमजोर करता है। दोपहर की कड़कती धूप में सिर को ना ढकना और चश्मा ना लगाना, ये सारी चीजें भी आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। इसके साथ साथ रात को पूरी लाइट्स ऑफ करके फोन यूज करना या फिर पढ़ाई करना, ये सब चीजें भी आंखों के लिए सही नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप ज्यादा नमक वाली चीजें खाएंगे, जैसे कि चिप्स या बाकी डब्बाबंद प्रोसेस फूड, तो आंखें जल्दी कमजोर होने लगेंगी। लेकिन घबराइए नहीं, आयुर्वेद में आंखों के लिए खास ध्यान दिया गया है। कुछ बड़े ही स्पष्ट तरीके बताए गए हैं, कुछ ऐसे फूड्स जिनको अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी आंखों की जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वो फूड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे गाजर के बारे में। गाजर एक ऐसी सब्जी है जिसमें बीटा कैरोटीन सबसे ज्यादा होता है, और बीटा कैरोटीन का इस्तेमाल करने से बॉडी में विटामिन ए बनता है। विटामिन ए क्या करता है? अगर जहाँ पर डिम लाइट है, कम लाइट है, तो वहाँ पे आपके देखने की शक्ति को बढ़ाता है। इनफैक्ट अगर शरीर को विटामिन ए ना मिले तो आंखों में कॉर्निया धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और सर्वे में पता भी चला है कि 2.5 से 5 साल तक के बच्चे अंधे हो जाते हैं सिर्फ इस विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से। एक स्टडी जिसमें 6 हफ्ते तक लगातार कुछ महिलाओं को गाजर खिलाई गई, स्टडी के बाद रिजल्ट दिखा गया कि जिन महिलाओं ने गाजर खाई थी उनकी नजर दोबारा चेक करने पर ऑलमोस्ट काफी हद तक सही और इम्प्रूव पाई गई। ये भी देखा गया कि कच्ची गाजर की बजाय अगर कुक करके खाएं तो बीटा कैरोटीन बढ़ जाता है। इसलिए आप भी गाजर की सब्जी जरूर बनाकर खाएं और अपनी डाइट में उसको शामिल जरूर करें, तो आपको मोतियाबिंद की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंखों की एजिंग भी स्लो हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और वो है सौंफ। यस, आयुर्वेद की दृष्टि में सौंफ आंखों के लिए इतनी ज्यादा फायदेमंद है, इसे नेत्र ज्योति की संज्ञा दी गई है। इनफैक्ट इसे हर्ब ऑफ साइट भी कहा गया है। आज मॉडर्न साइंस भी इस बात को मान रही है कि सौंफ में कुछ ऐसे एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो हमारी विजन को इम्प्रूव करने में काफी हेल्पफुल है। इनफैक्ट सौंफ के एक्सट्रैक्ट को भी आंखों के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, अब बहुत ज्यादा अगर आप फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी आंखों में गर्मी बढ़ जाती है। अब क्योंकि सौंफ पित्त नाशक होती है, यानी तासीर में ठंडी होती है, बॉडी से हीट को बाहर निकालती है, तो आयुर्वेद के अनुसार अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता तभी भी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है। सौंफ आपके डाइजेशन के लिए बेहतर मानी जाती है और एक औषधि का काम करती है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से आपकी आंखों को फायदा पहुंचाती है। सौंफ को आप हमेशा अपने पास एक डब्बी में भरकर रख सकते हैं, इसे थोड़े से दाने खाना खाने के बाद खा सकते हैं। दूसरा, आप सौंफ की हर्बल टी बनाकर पी सकते हैं। पैन में एक ग्लास पानी डालें, एक चम्मच सौंफ डालें और आधा जब हो जाए बॉईल करने के बाद उसे छानकर थोड़ा सा ठंडा करके शहद मिलाकर इसे आप पीना शुरू करें। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में और वो है हरी मूंग की दाल। हरी मूंग की दाल सभी दालों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि एक तो ये बहुत गुणकारी होती है, दूसरा ये बहुत जल्दी पचती है, जिस वजह से इसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई इसका फायदा उठा सकता है। हाई स्क्रीन के चलते अगर आपकी आंखें जलती हैं या उनमें बहुत ज्यादा खुजली होती है तो आपको अपनी डाइट में मूंग दाल शामिल जरूर करनी चाहिए। मॉडर्न स्टडीज में भी हमने पाया गया है हरी मूंग की दाल में कुछ ऐसे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं, जिस वजह से आंखों की छोटी नसों में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है वो ठीक होने लगती है। इसमें विटामिन ए के साथ साथ जिंक भी होता है जो रेटिना की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद में हरी मूंग दाल को नेत्रिया कहा गया है, यानी आंखों की जो विजन को इम्प्रूव करे, ये आंखों की हर एक प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज है घी।
जी हाँ, घी आपके आँखों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इनफैक्ट आँखों की हर समस्या को दूर करने के लिए इसमें बहुत ज्यादा गुण पाए गए हैं। तभी तो नेत्र तर्पण में उड़द दाल के आटे का डैम बनाकर आँखों को घी में डिबोया जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि दोस्तों बेसिकली जो आँखें हैं वो एक फैट टिश्यू है और इन्हें स्वस्थ रखने के लिए फैट की जरूरत होती है। साइंस भी आज इस बात को मानती है कि आईज के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ फैट से हमारा मतलब लुब्रिकेशन से है। जब हम हाई स्क्रीन टाइमिंग हमारा हो जाता है तो हमारी आंखें ड्राई होने लगती है क्योंकि नसों में जो लुब्रिकेशन होना चाहिए वो कम होने लगता है। देखा जाए तो लुब्रिकेशन किसी भी तेल से कर सकते हैं, लेकिन घी ही क्यों चूज किया जाता है? क्योंकि घी की तासीर ठंडी होती है। जितनी आंखें ठंडी रहेंगी उतनी स्वस्थ रहेंगी, इसलिए जो आप ठंडे पानी के छींटे आंखों पर डालते हैं वो इंस्टेंटली आपको आराम मिलता है। घी को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपकी आंखों की रोशनी बहुत ज्यादा तेज होने लगेगी। पहला तरीका है कि जब आप कोई भी दाल या सब्जी खाएं या आपके घर में जो छोटा बच्चा है नन्ना मुन्ना उसके भी दाल या सब्जी में ऊपर से कच्चा घी डालें। कच्चे घी के जो फायदे हैं वो घी को पकाने के बाद भी नहीं मिल पाते। दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि रात को सोने से पहले अपने पैरों के तलवों में घी से मालिश जरूर करें। ऐसा करने से भी आपकी जो नसों में या पूरे शरीर में और आपकी आंखों में इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली चीज के बारे में। दोस्तों अगली इम्पोर्टेंट चीज है वो है बादाम। जी हाँ दोस्तों, बादाम में विटामिन ई और साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो दोनों ही आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करते हैं। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें बादाम खाने चाहिए, लेकिन कैसे खाएं ये बहुत जरूरी है वरना फायदे की जगह नुकसान होने लगेगा। अब आपको क्या करना है, 4 से 5 दाने रात के समय भिगा कर रखने हैं और सुबह उनका छिलका उतारना है और काली मिर्च के साथ आपने उसे अच्छे से कूट लेना है और इसे रात को दूध में उबाल कर आपने पी लेना है। बादाम आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाएगा। दूध को मीठा करने के लिए आप धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं और काली मिर्च भी आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। दूसरा, आप केमिस्ट की दुकान से बादाम रोगन तेल भी खरीद सकते हैं और इसका 1 चम्मच दूध में मिलाकर रात को लेने से आंखों को फायदा मिलता है। लेकिन बादाम रोगन जो आपने लेना है वो स्वीट आलमंड ऑयल लेना है, वो अलग होता है, बॉडी पे या बालों पे लगाने वाला अलग होता है। और एक चीज और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आप जब बादाम खरीदें तो अमेरिकन कैलिफोर्निया बादाम की जगह आप छोटी गिरी यानी गुरबंदी बादाम का इस्तेमाल करें। देखने में भले ही छोटे होते हैं लेकिन इसमें तेल ज्यादा होता है जिस वजह से ये असर भी ज्यादा करते हैं। फाइनली अब हम आ जाते हैं अपने अगले फूड के बारे में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और वो भी है आंवला। आईज के लिए इसे सुपर फूड कहा जाता है। इस बात को आयुर्वेद में ही नहीं बल्कि आज मॉडर्न साइंस भी मान चुकी है कि आंवले में कुछ ऐसे स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आई को डैमेज यानी जो आईज के डैमेज सेल्स को रिपेयर करते हैं, आईज की छोटी ब्लड वेसल्स में हुई इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और विजन को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। एक आंवले में 20 संतरों जितना विटामिन सी होता है। आईज की ब्लड के लिए विटामिन सी उतना ही जरूरी है जितना कि चलने के लिए हमारी टांगे। आईज की ऑक्सीडेटिव डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है। स्टडीज में भी पाया गया है कि विटामिन सी लेने से आईज की जो एजिंग है वो स्लो डाउन हो जाती है, डार्क सर्कल्स नहीं होते और साथ ही साथ मोतियाबिंद की समस्या भी कम हो जाती है, यानी उसकी जो परसेंटेज है उसको कम किया जा सकता है। आंवला आपको हर सीजन में मिलता है, आप इसे खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं, सब्जी बनाकर खा सकते हैं या फिर आंवले का जूस ले सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा कुछ ऐसे बहुत ही अच्छे सुपर फूड जिनको आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी बहुत तेज हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी इशा मिलती है कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।